दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। नफरत और खून खराबे को ग्लैमराइज करना आज की राजनीति का इतना ऑब्वियस हिस्सा हो गया है कि किसी को अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। नेता खुलेआम लोगों की जान लेने की बात कर रहे हैं और खबर तक नहीं बनती। अपने बयानों के कारण कई बार विवादों में रह चुके राजस्थान के बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने अपने समर्थकों के साथ खुलेआम 5 लोगों को मारने की बात स्वीकार की। ज्ञानदेव आहूजा खुलेआम ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने तो अपने कार्यकर्ताओं को छूट दे रखी है कि मारो सबको, आपकी जमानत हम करवा देंगे। अब तक तो 5 हमने मारे मोदी जी, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। मैंने खुलम खुला छूट दे रखी है कार्यकर्ताओं को, मारो सालों में जो को किसी को। दोस्तों, बीजेपी विधायक ज्ञानदेव आहूजा का ये ज्ञान वायरल हुआ तो कांग्रेस ने बीजेपी से सवाल पूछे और जवाब में बीजेपी की अलवर इकाई ने ज्ञानदेव आहूजा पर ये कह दिया कि ये तो उनके निजी विचार हैं, पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं। अब बड़ी बात ये है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार क्या ऐसे आदमी पर कोई कार्रवाई करेगी जो खुलेआम 5 लोगों को मारने की बात खुद स्वीकार कर रहा है। इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए तृणमूल की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, मूछों वाला ये बीजेपी का राक्षस 5 लोगों को पीट पीट कर मार डालने का दावा कर रहा है। कह रहा है कि अब तक हमने 5 मारे हैं, हमने छूट दे रखी है कि मारो सालों को। आज बुराई का कोई चेहरा होता तो एकदम ऐसा ही होता। दोस्तों, महुआ मोइत्रा जैसी इक्का दुक्का नेता हैं जो इस तरह की खबरों में अब रिएक्ट कर देती हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज जब ऐसी खबरें या वीडियो बस सोशल मीडिया में वायरल मटीरियल बन चुका है, कोई नहीं बात करता इस बारे में। नफरती पॉलिटिक्स के खिलाफ एक सुर में जिस तरह से आवाज उठनी चाहिए थी, अब नहीं उठती। शायद इसीलिए इस तरह के लोग बिना डरे मरने मारने की बात करते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, लिखिएगा जरूर, और हम इस तरह की खबरें आपको दिखाते रहेंगे क्योंकि हम आजाद पत्रकारिता को बल देते हैं। आप भी हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कीजिए। थैंक्स के ऑप्शन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए।